और चलिए खबरों में बात करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कवर्धा में आयोजित किसान सम्मेलन और अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान एक अजीबोगरीब घटना घट गई। सीएम साय का हेलीकॉप्टर सुकमा से सीधे कुसुमघट्टा में लैंड करना था, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर कवर्धा के पुलिस लाइन में लैंड हुआ है। अचानक बिना प्रोटोकॉल के सीएम के हेलीकॉप्टर के लैंड होने से पुलिस जवान हैरान हो गए। हालांकि कुछ ही सेकंड में हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन से कुसुमघट्टा के लिए टेक ऑफ हुआ। वही इस घटना से चर्चा हो रही है कि कहीं पायलट रूट तो नहीं भूल गया था या फिर कोई और वजह थी। फिलहाल इस मामले में जिले के अधिकारियों को भी कोई खबर नहीं है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, बात की जाए तो सीएम विष्णुदेव साय का जो हेलीकॉप्टर है बगैर किसी सूचना के जाना कहीं और था और कवर्धा में अचानक से पुलिस ग्राउंड में इसकी लैंडिंग की जाती है, आखिर क्या कुछ वजह मानी जा रही है इस लैंडिंग की? जी बिल्कुल, देखिए आज कबीरधाम जिले के कुसुमघट्टा में किसान सम्मेलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन होना था, जिसके चलते सुकमा से वो सीधे कुसुमघट्टा पहुंचने वाले थे, लेकिन बीच में कुसुमघट्टा पहुंचने से पहले ही कवर्धा के पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर ने लैंड किया और थोड़ी देर में कुसुमघट्टा के लिए फिर टेक ऑफ कर लिया। इसकी सूचना बाद में मिली और पता चला कि जानकारी लेने पर पता चला अधिकारियों को भी इसकी कोई खबर नहीं थी, जिसके चलते इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आखिर क्या कुछ वजह, अधिकारियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए ये इस बात को लेकर के अधिकारी भी कुछ कहने से बच रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको भी कोई खबर नहीं थी, थोड़ी देर के लिए हेलीकॉप्टर ने पुलिस लाइन में लैंड किया, उसके बाद तत्काल जो है कुसुमघट्टा के लिए भी टेक ऑफ कर लिया। और उनका कहना है कि इस तरह की कोई खबर नहीं थी, नहीं प्रोटोकॉल में था और जो पायलट है वो जानेंगे वो किस तरह के ऐसे इस तरह के लैंडिंग कैसे हुई करके, इस तरह का कहना है उनका अधिकारियों का। चलिए संजय, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।